पूर्वी दिल्ली नगर निगम के महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने रघुवरपुरा वार्ड में बनने वाली 3 सड़कों का शिलान्यास किया। इस अवसर पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष राजेंद्र वर्मा, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष कंचन शर्मा और स्थानीय लोग मौजूद रहे। श्याम सुंदर अग्रवाल ने बताया कि लगभग 19,50,000 की लागत से बनने वाली 3 सड़कों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसमें गली नंबर 3 चांद मोहल्ला, गली नंबर 2 राजगढ़ कॉलोनी और जाटव मोहल्ला पुराना सीलमपुर शामिल है। महापौर ने बताया कि शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान जाटव मोहल्ला चौक का नाम भारत रत्न भीमराव अंबेडकर चौक रखने की मांग की गई है। लोगों की मांग को देखते हुए जाटव मोहल्ले चौक का नाम भारत रत्न भीमराव अंबेडकर चौक किया जाएगा। हमारे यहाँ पे 3 सड़कों की हालत बहुत जर्जर थी, उसमें गली नंबर 3 चांद मोहल्ला, गली नंबर 2 राजगढ़ कॉलोनी, जाटव मोहल्ला की सड़क लगातार शिकायतें मिल रही थी। तो हमने 19,50,000 की लागत से इन सड़कों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। एक वहां के लोगों की डिमांड थी, जाटव मोहल्ला के लोग चाहते थे, वहां पे एक चौक है उसका नामकरण भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर के नाम पे किया जाए। तो मैंने घोषणा की थी और अचानक ही जानकारी जैसा थी कि कल हमारी नेमिंग कमेटी की मीटिंग थी, हमने नेमिंग कमेटी पास भी कर दिया, वो चौक पास हो चुका है। आने वाले 1 हफ्ता 10 दिन में उसका भी हम नामकरण करेंगे।